जो अभी मिश्रा जी ने कहा, देखिए, देश में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, हम लोग रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते लेकिन हैं, आपके नेता तो नहीं करते। स्वामी प्रसाद बोले नहीं कर रहे। भुवन जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बदल गए, एक हफ्ते में अकल ठिकाने आ गई। भुवन जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आप बोल दो बिना टोका टोकी की, अगर हिम्मत हो मैं धैर्य हो किसी के में भी। हम लोग रामचरितमानस उन पंक्तियों का विरोध करते हैं जो दलित विरोधी है। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी सभी ग्रंथों का आदर करते हैं और हम देश के संभाव को मानने का काम करते हैं। ठीक है, एके मिश्रा जी, चलिए देखिए मैं आपको बताऊं, ये मास्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अपने आप को, गुड़ खाए गुड़गुला से परहेज। ये कैसे हो सकता है कि आप रामचरितमानस का सम्मान करें और राम का अपमान करें, चौपाइयों का जो है आप अपमान करें, आप हनुमान का अपमान करें, ये हो सकता है कभी? तो ये इस तरह के नखरे मत दिखाइए, इसीलिए हमने आपको बोला है संगत का असर। ठीक है, ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं, जो या तो आप सम्मान करेंगे तो पूरे सनातन का करेंगे, रामचरितमानस राम और उसमें लिखी चौपाइयों का, नहीं तो किसी एक कौमा का भी अगर आपने अपमान किया तो वो पूरे सनातन का अपमान होगा। हाँ, तो कह तो रहे हैं ना स्वामी प्रसाद बोले कि करोड़ों लोग ये बकवास पढ़ते ही नहीं है। मैं तो कह भी नहीं सकती, रामचरितमानस तो कर रहे हैं केपी मलिक साहब, वोट भारतीय जनता पार्टी। मिश्रा जी, देखिए ये बहुत क्लियर कट है, मैं सनातन की बात बताऊं, प्रायश्चित और पश्चाताप करने के बाद अगर उनका हृदय पवित्र हो जाए तो हर चीजें माफ है। जेल में संविधान में भी ये है कि जेल में जाने के बाद चाल चलन अच्छा हो जाता है तो उसको सजा से मुक्त कर दिया जाता है। अगर इनके विचार अच्छी संगत के कारण बदल गए तो ये किसी भी पार्टी में रहे, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो एके मिश्रा जी, ये अगर बीजेपी में गए और सनातन का विरोध किया तो यही कह तो रहे हैं